गजेंद्र, जो तुम कह रहे हो सच है? हाँ ठाकुर साहब, मुझे मेरी बहन की कसम, राजू ने आपको मुंह भर भर के गालियां दी हैं। और ये आपकी इतनी इज्जत करत रही कि इसका खून जोश खा गया हुआ, मगर उस सुसर का नाती राजू इसको इतना पीटा कि आयसन थोपड़ा होगा हुआ। इतना ही नहीं ठाकुर साहब, वो चेतावनी देकर गया है कि आपकी बहन ज्योति से शादी करके दिखाएगा। अरे ओ भोले भंडारी, तू जो कह के गया है खुल्लम खुल्ला बोल। मैं नहीं बोल सकता। अरे हम बोल देता, हम का चूड़ी पहने हैं। ठाकुर साहब वो कह के गया है कि ऊके और ज्योति के प्यार के बीच में अगर तुम भी आए ना, वो तो हार के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर देगा। गजेंद्र, अब ज्योति की शादी तुम्हारे साथ होगी, कल तुम दोनों की सगाई है। पूजा, पूजा जी आई। पूजा, क्या बात है जी? आज ज्योति की सगाई है, तुम अभी ज्योति को तैयार करके नीचे ले आओ। ठाकुर साहब, बैठो साहब, पहला को बैठो, बैठो आप लोग बैठिए। अरे साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ। भैया ये सब क्या हो रहा है? आज गजेंद्र के साथ तुम्हारी सगाई है। मेरी सगाई? मुझसे पूछे बिना? लड़कियों से पूछकर उनकी शादी तय करना हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। तो आज से ये रिवाज बदल डालिए भैया, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। ज्योति! हाँ भैया, मेरी शादी होगी तो सिर्फ राजू से। बंद करो ये बकवास, ना मत लो उस एहसान फरामोश का। जितना प्यार हम तुमसे करते हैं उसे हजार गुना ज्यादा नफरत करते हैं हम राजू से। आपकी नफरत मेरे प्यार को कम नहीं कर सकती भैया। क्या कहा, क्या कहा तुमने? ठहरिए, आज तक आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं चुपचाप सहती रही, लेकिन ज्योति के साथ किसी ने जरा सा भी अन्याय किया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। क्या कर लोगी? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। कौन से अधिकार से? ममता के अधिकार से। तुम क्या समझती हो ममता सिर्फ तुम में है? हमें हमारी बहन से प्यार नहीं? अगर आपको जरा सा भी प्यार होता तो क्या ये रिश्ता आप तय करते? ये रिश्ता तय करने से पहले क्या एक बार भी आपने हम लोगों से पूछा? आपके ऐसे फैसलों से हमारे दिलों पर क्या गुजरती है कभी एक बार भी सोचा आपने? गुस्से के जोश में आकर क्या कुछ नहीं किया आपने? मुझ पर जान देने वाला मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया, मैं खामोश रही। मेरे माँ बाप को इतना गहरा दुख पहुंचाया, मैं खामोश रही। लेकिन आज मैं खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि आज सवाल मेरी जिंदगी का नहीं है, आज सवाल ज्योति की जिंदगी का है, और मैं अपनी ज्योति को इस कसाई के हवाले कभी नहीं होने दूंगी। ए, मुझे कसाई बोलती है? तुम चुप रहो। देखिए ये बहुत ही नीच और कमीना आदमी है, अपनी बहन की इज्जत को बेच बेच कर रोटी कमाने वाला कल अपनी पत्नी को भी वेश्या बना देगा। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन भी एक वेश्या बन जाए? पूजा, अपनी बहन की इज्जत को बेच बेच कर रोटी कमाने वाला कल अपनी पत्नी को भी वेश्या बना देगा। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन भी एक वेश्या बन जाए? वेश्या बन जाए, वेश्या बन जाए, वेश्या बन जाए, वेश्या बन जाए। देखिए सारा गांव आपको भगवान मानता है, आपने बहुत सी जिंदगियों का सहारा दिया है, इस मासूम की जिंदगी को इस तरह बेसहारा मत कीजिए। उस समय आकर कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिसकी वजह से हमें उम्र भर के लिए पछताना पड़े। बहनोई साहब, ये औरतें तो यूं ही बकती रहती हैं, इनकी बातों को क्या सुनना। पंडित जी। हाँ जी। मुहूर्त निकला जा रहा है, सगाई की तैयारी कीजिए। आइए बहनोई साहब, चला रही। गजेंद्र, तूने हमारी बहन को हाथ लगाने की जरूरत कैसे की? अगर एक पल भी यहां रुका तो मैं तेरी जान ले लूंगा। निकल जा से। निकल जाओ। देखा दोस्त, सही निकला ना मेरा शक। बहनोई साहब, इस घर से बाहर जाने की अगर बारी आएगी तो मेरी नहीं आपकी होगी।
अब ये घर मेरा है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। भैया नहीं, नहीं भैया, रुकिए। छोड़ो मुझे। बहुत उचक रहा है। गोली मारेगा, हम सबको जान से मारेगा। चलाओ गोली, सबकी हल्लक में उतार देंगे लाठी। मिल्लू जमींदार नाम है। अरे हम क्या मालूम था कि तुम जरूर कोई अड़ंगा लगाएगा, इसलिए हम भी सारे कागज को ले आए। ये देख, ये कहा है स्टाम्प पेपर, जिसमें तुम खुदा ही लिखा है कि घर, ये जमीन, ये जायदाद सब गजेंद्र बाबू का है। और तू एक ही घर से बेघर कर रहा है। अरे गांव का पढ़ा लिखा चौधरी, जरा हमारे पास तो आ, तनिक पढ़कर बताओ ही में कहा लिखा है। ये स्टैंप पेपर के अनुसार ये तमाम जायदाद सब कुछ गजेंद्र बाबू का है। अरे मां साफ साफ तो लिखा है कि सारी जमीन जायदाद के मालिक हमारे गजेंद्र भैया हैं। अरे ये बात इनकी खोपड़िया में उतार दियो। सुन लिया बहनोई साहब, अब चलो निकलो यहाँ से। इतनी बड़ी बेईमानी हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मत कीजिए। इस बेईमानी की जड़ तेरी बहन वैशाली है, हम उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं भैया नहीं, देखिए जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, भगवान के लिए उसे भूल जाइए। हमें नहीं चाहिए धन दौलत, हमें सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप। सुन रहे हैं? चलिए यहाँ से। चलो भैया चलिए, चलिए ना। अरे ये बंगला हमारा है। कितना खूबसूरत महल है, घर अच्छा है। जी जी प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरे समय का साया था, टल गया। मेरी बेटी को तुम मिल गए, मुझे सारी खुशियां मिल गई। आओ बेटा, आओ बेटा, बैठो। ज्योति जा पानी ले आ। बैठो बेटा, राजू बैठिए। घर में कुछ नहीं, मैं बाजार जा रही हूँ। तू दीदी जीजाजी का ख्याल रखना। हाँ हाँ माँ, तू फिक्र मत कर। ख्याल रखना बेटा। क्या माँ? राजू दराती लेकर गया है। हाँ? लगता है वो वैशाली को मार डालेगा। धीरे माँ धीरे, वो सुन लेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। तू चिंता नहीं करना, राजू को मैं लेके आती हूँ। संभल कर बेटी, संभल कर।
Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.